हेलो जी, कैसे हो? अच्छे होंगे। तो आज अपना देखने वाला है एक घर का नक्शा, ठीक है, जहाँ पे अभी ड्रॉ कर रखे हैं मैंने ड्राइंग। तो वहाँ पे क्या है नक्शा में कि 24 फीट और 30 फीट का है नक्शा, क्लियर ना? 24 फीट और 30 फीट में दो बेडरूम का उसने मैंने प्रोवाइड किया है प्रोविजन। तो काफ़ी अच्छा खासा ये हाउस प्लान है, आप देखोगे जरूर आपको पसंद आ जाएगा। यहाँ पे जितना भी हाउस प्लान वगैरह सब बनता है ना, काफ़ी यूनिक यूनिक बनता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, ये जो प्लान है यहाँ पे 24 फीट और 30 फीट की है, जहाँ पे टोटल अगर स्क्वायर फीट की अगर हम बात कर ले तो 24 फीट और 30 फीट है, जो कि 720 स्क्वायर फीट हो रहा है, 720 स्क्वायर फीट। ये आपका टोटल एरिया हो गया, जहाँ पे ये पोर्शन आपका 24 फीट आ रही है और ये पोर्शन आपका 30 फीट आ रही है, 30 फीट फुट। ओके, उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका एंट्री गेट हो गया है, ये आपका एंट्री गेट हो गया है। उसके बाद जैसे आप इधर से, ये आपका डोर हो गया है इधर, ये सब जितना भी आपका डोर हो गया है, और ये आपका बेडरूम हो गया है, दो बेडरूम का ही है, 2 BHK हाउस प्लान है, 2 BHK हाउस प्लान है। जहाँ पे ये आपका किचन हो गया है, ये आपका टॉयलेट हो गया है, क्लियर। ये आपका स्टेयर केस हो गया है, कुछ ऐसे जाएगा। ये आपका लिविंग और डाइनिंग हो गया है, प्लस में डाइनिंग, क्लियर। तो जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका गेट हो गया है MD, मेन डोर। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करें। कैलकुलेशन की बात करने से पहले हम बता दें कि ये सब आपका विंडो आ रहा है, ये सब आपका विंडो है, क्लियर। कुछ फास्ट तो हम नहीं लिख रहे हैं आज लग रहा है। देखिए यहाँ पे 24 फीट है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया, 12 फीट कर गया है, क्लियर, एक स्टैंडर्ड साइज़ में आ रहा है। उसके बाद हम इस पोर्शन की बात करें तो 12 फीट इधर भी मैंने लिया है, ये भी 12 बाय 12 का आपका बेडरूम हो गया है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे स्टेयर केस, तो टोटल यहाँ पे जो मैंने लिया है 8 फीट की लिया है ये वाला पोर्शन, 4 फीट करके ये वाला पोर्शन लिया है मैंने, 4 फीट करके ये पोर्शन मैंने लिया है, जिसको आप ट्रेड बोलते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ये जो टोटल पोर्शन है यहाँ पे मैंने 9 फीट लिया है, ठीक है। तो टोटल पोर्शन आपका 9 फीट हो रहा है इधर का टोटल पोर्शन, ठीक है। बाद बाकी इधर आपका पूरा स्पेसिंग बच रहा है। उसके बाद हम किचन की बात करें तो दोस्तों, ये यहाँ पे जो किचन है ये ऐसे आपका 10 फीट मैंने लिया है, क्लियर, ऐसे भी मैंने 10 फीट लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका 24 फीट है, 24 फीट में आप 10 फीट अगर माइनस करोगे तो इधर आपका 14 फीट बचा है, 14 फीट में आपका 7 फीट का ये टॉयलेट लिया है एक, और ये आपका मेन डोर जो है ये 7 फीट का मैंने लिया, एक बड़ा सा डोर हो गया है, एक अच्छा सा स्टैंडर्ड डोर हो गया है। उसके बाद हम टॉयलेट की बात करें तो ये वाला पोर्शन आपका, जितना ये पोर्शन है उतना ही ये पोर्शन है, तो ये पोर्शन आपका 10 फीट है, तो 10 फीट आपको नहीं लेना है, तो 10 फीट नहीं लेना तो क्या करना है, और इसको छोटा कर लेना है। छोटा करके हम क्या करेंगे तो यहाँ पे एक बेसिन का पोर्शन लगा देंगे, यहाँ से आपका गेट बन जाएगा, इधर बेसिन लग जाएगा, या फिर इधर से आप गेट बना रहे हो तो यहाँ पे आपका गेट इधर से लग जाएगा, इधर बेसिन का पोर्शन आ जाएगा, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे जितना भी मॉडिफाई करवाना है अगर, तो आप हमसे करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पूरा अभी हम मान ले रहे हैं 10 फीट है, क्लियर, ये पोर्शन आपका टोटल 10 फीट है, ये भी आपका ये 10 फीट है, और इधर का जो एरिया बचा है ये टोटल आपका 8 फीट बचा है एज फॉर दिस किचन। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे कितना स्पेसिंग बचा है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 24 फीट है, जिसमें आप माइनस कर दिए 9 फीट, तो जहाँ पे आपका 15 फीट बच रहा है, क्लियर, तो 15 फीट ये आपका पोर्शन बचा। अब बताओ कैसा लगा, इसका फीडबैक बताओ कि कैसा लगा, ये अच्छा लगा ड्राइंग? बिल्कुल अच्छा लगा होगा, ये जो प्लान मैंने बताया है। उसके बाद अगर हम कॉलम की बात करें जहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी हम एक सजेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पे एक कॉलम मार सकते हो, यहाँ पे एक इधर, हमने कैसे बता दिया कि यहाँ पे मार सकते हो, क्यों बताया मैंने,
ये इसलिए बताया कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम का डिस्टेंस अगर आपके पास स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं है तब जाके एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो डिस्टेंस है वो अपने आप में आप दे सकते हो मैक्स टू मैक्स 13 फीट। तो यहाँ पे 12 फीट आ रहा है, लगा दिए। समझ रहे हैं ना मेरे बात को? तो बस यूं ही हर एक यूट्यूबर बताते हैं कि यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे कॉलम लगा लो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई अच्छा खासा लोग जो पढ़े लिखे हैं उनसे अगर पूछोगे, जो अच्छे खासे इंजीनियरिंग पढ़ाई किए हैं, तो ऐसा ही बताएंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बिना आप एक कदम भी नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, ये कैसा लगा इन्फॉर्मेशन? काफ़ी अच्छा यूज़फुल रहा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।